नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज, द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल वैद्य ने कहा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की जीत न केवल पार्टी की जीत है बल्कि भाजपा के अहंकार की हार भी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को छला गया है और भाजपा ने चमकीले सपने दिखाकर जनता का वोट लूटा था, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक उसने जनता से किए गए वादों को भुला दिया। नतीजा साफ है कि जिस जनता ने उसे सत्ता दिलाई थी उसी जनता ने उसे गद्दी से धकेल दिया। ये बात उन्होंने अपने आवास पर जुटे कांग्रेसियों के साथ जीत का जश्न मनाने के बाद पत्रकारों से कही। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के मजबूत किलों को ध्वस्त कर कब्जा करने वाली कांग्रेस अपनी जीत पर फूली नहीं समा रही है। इस जीत को लेकर उत्साहित कांग्रेसियों ने बुधवार को पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल वैद्य के आवास पर जुटकर जीत की खुशी मनाई। वहीं मंगलवार को 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपाइयों की बोलती बंद कर दी। बुधवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक मोहल्ला जयप्रकाश नगर में कमल संदेश यात्रा तो निकाली गई, लेकिन यात्रा की तस्वीर पिछले दिनों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग दिखी। भाजपाई न तो नारे लगा रहे थे और न उनके चेहरे की मुस्कान भी गायब थी, यहां तक कि भाजपा की पट्टियां भी उनके गलों में नहीं दिखाई दे रही थी। यात्रा की यह हालत देख कुछ लोग तो यह भी कानाफूसी करते दिखे कि 2-4 दिन के लिए यात्रा बंद ही कर देते। बहरहाल हिंदी बेल्ट में भाजपा की करारी शिकस्त से भाजपा खेमा खासा मायूस है। अभी तक आपकी कांग्रेस पार्टी का नारा था कि 25 साल जनता बेहाल, और बिनी पार्टी में अभी 25 साल किन-किन की सरकार रही वही आपका समर्थन दे रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सबकी विचारधारा एक ही समान है भाई, उसमें हम आप ही का नारा था। कंटिन्यू बोलिए। मतलब ये है कि विचारधारा है एक समान विचारधारा थी कि मतलब सपा की भी रही, सपा की भी रही, बीएसपी की भी रही, और हाँ समान विचारधारा मिल रही है, तो इसलिए वो नारा था। तो आप लोग समान विचारधारा की हैं? जी फिर ये नारा जनता बेहाल रही 25 साल आप ही का कहना था, तो इसमें कितना बेहाल देश काल परिस्थिति के अनुसार समय समय पर निर्णय करना। भाई साहब, आपकी पार्टी ने जो 3 राज्यों में विजय श्री हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जनता का आक्रोश था, जिनमें भाजपा सरकार थी वो उनकी नीतियों से कभी भी आम जनता को लाभ नहीं पहुंच पाया। ठीक इसका उल्टा हुआ कि आम जनता उनकी नीतियों से परेशान रही। उन्होंने कर्ज माफ़ करने की घोषणा की थी, कर्ज माफ़ नहीं किया। उन्होंने बेरोजगार को रोजगार देने की बात कही, कभी रोजगार नहीं दे पाए। इन्हीं सब कारणों से स्टेट के आवाम ने उनको जड़ मूल से नकार दिया। तो इसे आप कांग्रेस की जीत या बीजेपी की हार कहेंगे? उसको दोनों चीजें हैं। उनकी नीतियां चूंकि जन विरोधी रही हैं इसलिए उनकी हार हुई है, और कांग्रेस ने उनके साथ पिछले वर्ष में, पिछले टर्न में जो उनके साथ मदद की उनको वो याद आया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिताया।